हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल। मतलब फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस गोल्ड BS6 जो डीजल वाली गाड़ी है उसके एक्सलेटर पैडल, ठीक है, एक्सलेटर पैडल का जो सेंसर है उसके बारे में, कि उसका वायरिंग कैसा हुआ है, उसमें कितना करंट आता है, कितना वोल्टेज आता है, कब आता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ECU, देखिए इसका ECU जो दिया है वो बॉस का दिया है, ठीक है, बॉस का ECU दिया है। और ECU में दो कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, एक कनेक्टर का नाम है A और एक कनेक्टर का नाम है K, ओके। तो अब देखिए, अब क्या है, ये हो गया वो ECU का पिन, ठीक है, ये ECU का हो गया ए कनेक्टर, ओके, ए कनेक्टर हो गया। और देखिए, अब इसे हम पिन नंबर लिख दे रहे हैं, ये हो गया पिन नंबर 8, ये हो गया पिन नंबर 29 और ये हो गया पिन नंबर 24, ओके। उसके बाद से आता है पिन नंबर 9, पिन नंबर 31 और पिन नंबर 25, ओके। ये 6 पिन है, 6 वायर लगता है एक्सलेटर पैडल में, ठीक है, 6 वायर लगता है। और उस वायर का कलर वगैरह सब चीज आज हम क्लियर हो जाएगा कि उसका वायरिंग कलर कोड, उसका कनेक्शन, उसका वोल्टेज, उसका ग्राउंड सिग्नल कौन वायर है, ठीक है, वो सब चीज आज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए एक्सलेटर पैडल में ना दो सेंसर लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सलेटर पैडल का, यहाँ पे ये हो गया एक्सलेटर पैडल का कनेक्टर, ठीक है, और ये हो गया ECU का कनेक्टर, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, कनेक्टर पे देखिए, कनेक्टर पे लिखा होगा, ठीक है, ऐसा हम बना दे रहे हैं। अब देखिए इसमें पिन नंबर हम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं, ये देखिए ये हो गया पिन नंबर C, ओके, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये तीन पिन हो गया एक सेंसर का। उसके बाद आता है D, उसके बाद E, उसके बाद आता है F, ठीक है, DEF, ये एक सेंसर का हो गया, और A, B और C, ये हो गया एक मतलब सेंसर का, ठीक है, एक सेंसर पड़े में दो सेंसर होता है, ओके। अब इसमें हम जान लेते हैं कि कौन वोल्टेज है और कौन सिग्नल है, ठीक है। देखिए सी जो पिन होता है ना, ये पॉजिटिव वोल्टेज इसमें आता है, वायरिंग मतलब ECU इसमें 5 वोल्ट देता है, ठीक है, 5 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। और ये जो ए है ना, ये है सिग्नल, ठीक है, ये एस हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया सिग्नल इसी, मतलब जैसे ही एक्सलेटर पेडल दबाइएगा ना, तो ये 5 वोल्ट ना हल्का इस वायर में करके जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसमें वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सलेटर पेडल हाई होगा, ठीक है, मतलब RPM उसका हाई होगा, ओके। तो ये हो गया एक सिग्नल वायर, ओके। अब ये जो बी है ना, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये जी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव हो गया, ग्राउंड हो गया। और उसके बाद आता है डी एफ ई, ये देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है डी एफ ई, ठीक है, ये हो गया एफ, ठीक है, डी एफ और ये हो गया ई, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये हो गया पॉजिटिव 5 वोल्ट और ये हो गया सिग्नल और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड का ऐसा चिन्ह मैं दे दे रहा हूँ, सबसे सही होगा, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये सब, ये 5 वायर 6 वायर जो है ये सब ECU से ही आता है, ठीक है। अब देखिए जो 8 नंबर जो पिन है ना, ये सीधा गया है सी कनेक्टर में, ठीक है, ये मतलब सी पिन में, ओके। और इस वायर का कलर होगा येलो पे ग्रीन कलर का वायर, येलो पे ग्रीन कलर का जो वायर है वो वोल्टेज 5 वोल्ट सप्लाई देता है ECU जो एक्सलेटर पैडल है उसका कनेक्ट सी पिन को, ठीक है। उसके बाद आता है 29 नंबर, ठीक है, ये आता है ये सिग्नल वायर है और ये होता है ग्रीन पर ब्लैक कलर का वायर, ओके। उसके बाद आया 24, ओके, ये जो है ये ब्राउन पर ब्लैक कलर का वायर होगा, ओके। अब ये जो 9 नंबर जो पिन है वो आता है डी में, ठीक है, और इसका होता है ग्रीन पे ब्लू कलर का वायर। उसके बाद आता है एफ, ठीक है, ये सिग्नल वायर है, इसमें आता है ग्रीन पे पिंक कलर का वायर, ठीक है, ग्रीन पे पिंक। उसके बाद आता है ये ब्राउन पे व्हाइट कलर का वायर, ठीक है, ब्राउन पे व्हाइट। ये हो गया 6 वायर जो ECU से डायरेक्ट एक्सलेटर पैडल में जाता है, ठीक है, एक्सलेटर, ठीक है, एक्सलेटर पैटर्न में जाता है ये 6 वायर, जिसमें आपको 5 वोल्ट, 2 5 वोल्ट मिलेगा, 2 निगेटिव मिलेगा और 2 में कुछ नहीं आएगा। ये जब भी आप एक्सलेटर पैटर्न दबाते हैं तो इसमें से 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे बढ़ता है, ये सिग्नल जाता है ECU को, ठीक है, और ECU इंजन का RPM को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब इंजन को रेस करता है। तो ये एक्सलेटर पैटर्न जैसे जैसे दबाइएगा वैसे वैसे इस दोनों वायर में सिग्नल जाएगा और ECU वैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सलेटर पैटर्न का वायरिंग। फ्रेंड्स, इस गोल्ड जो गाड़ी है ना, इसका अगर आपको इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग डायग्राम है पूरा, कि कितना इसमें फ्यूज है और एक फ्यूज से कनेक्शन कहाँ कहाँ गया है, जैसे एक एक फ्यूज से ना 10 10 जगह, 15 15 जगह, कोई कोई फ्यूज से 5 5 जगह, कोई फ्यूज से 3 जगह, कोई फ्यूज से 1 जगह, ऐसे ऐसे करंट गया, ठीक है, कोई कोई फ्यूज से 16 16 जगह करंट गया, ठीक है। EMS रिले का काम करना बंद कर दे तो कितना जगह करंट जाना बंद हो जाएगा, ये मतलब बैटरी से लेकर के जितना भी सामने आपको वायरिंग दिख रहा है सिर्फ ECU का वायरिंग छोड़ा करके, इस पे सारा ऑलरेडी वीडियो बन गया है, 6 पार्ट में पूरा वीडियो है सिर्फ इसके वायरिंग डायग्राम पे, ठीक है, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, मतलब कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ये सब जो फ्यूज से जो डायरेक्ट पॉजिटिव जा रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या कॉम्बिनेशन स्विच में, ये सब, या स्विच में कोई, जैसे रीजनरेशन स्विच हो गया या फिर इको स्विच हो गया, ये सब में जो जो पॉजिटिव जा रहा है, जो इग्निशन स्विच का पॉजिटिव जा रहा है,
ये सारा चीज पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। इस बोल्ट का पूरा वायरिंग डायग्राम पे ऑलरेडी वीडियो बन गया है, ठीक है, 6 पार्ट में इसका पूरा वायरिंग है, सारा फ्यूज बॉक्स उसमें मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए चैनल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है 6 वीडियो का, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा और भी एकदम।